नमस्कार, उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मौजूद माँ कसार देवी की शक्तियों का एहसास स्थान के कण कण में होता है। अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे पर कसार नामक गाँव में स्थित ये मंदिर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा नुमा जगह पर बना हुआ है। कसार देवी मंदिर में माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी। मंदिर में माँ दुर्गा के 8 रूपों में से एक रूप देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये ऐसा स्थान है जहाँ माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी और देवभूमि का ये स्थान भारत का एकमात्र और दुनिया का तीसरा ऐसा स्थान है जहाँ खास चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद है। खुद नासा के वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर चुके हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कसाई पर्वत पर मौजूद माँ दुर्गा के मंदिर में अनोखी शक्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ आने वाले भक्त आसानी से सैकड़ों सीढ़ियाँ बिना किसी थकावट के ही चढ़ जाते हैं। मान्यता है कि 2500 साल पहले माँ दुर्गा ने 2 राक्षसों का वध करने के लिए कात्यायनी रूप में अवतार लिया था। तब से इस जगह को विशेष स्थान के रूप में जाना जाता है। नासा के वैज्ञानिक भी साल 2012 में इस जगह का शोध कर हैरान रह गए, क्योंकि दुनिया भर में पेरू के माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज के बाद कसार देवी ही एकमात्र स्थान है जहां विशेष चुंबकीय शक्तियां मौजूद हैं। और इतिहासकारों के अनुसार कसार देवी के आसपास के क्षेत्र वेन एलन बेल्ट है। यहाँ विशेष चुंबकीय शक्तियां मौजूद हैं जो ध्यान और तप के लिए इसे एक उत्तम स्थान बनाती हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 2500 साल पहले शुम्भ निशुम्भ नामक 2 राक्षसों का वध करने के लिए माँ दुर्गा कात्यायनी रूप में खुद स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर के भीतर पहाड़ का वो हिस्सा आज भी सिंह रूप में मौजूद है। मंदिर के पुजारी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। खास बात ये है कि स्वामी विवेकानंद भी इस जगह पर ध्यान में लीन हो गए थे। बाहर से आए काफी पर्यटक भी इस बात को मानते हैं कि ये स्थान अपने आप में अनोखा है। कसार देवी मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र हिमालयी के वन और अद्भुत नजारे से घिरा हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भारत का सच्चा श्रद्धालु अपने जीवन का अंतिम काल बिताने के लिए इच्छुक रहता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में यानी कि नवंबर और दिसंबर माह में कसार देवी का मेला लगता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।